हेलो फ्रेंड्स तो हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर सेवन का पार्ट फोर दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन ऑप्शंस इन आईपी डेटाग्राम मतलब आईपी डेटाग्राम में किस टाइप के हमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है मस्ट बी कॉपेड टू ई डेटाग्राम तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बेट इन दोस्ट बिट ये अगर वन है तो नो no ऑपरेशन इसका मतलब है नो no ऑपरेशन इसका टाइप है वन एंड इट इज नॉट कॉपेड देन सेकेंड है एंड ऑफ ऑप्शन तो ये एंड ऑफ ऑप्शन ये भी हमारा कॉपी नहीं होता है नो no ऑप्शन ये भी कॉपी नहीं होता है बिकॉज ये fillers की तरह हम यूज करते हैं फिर आता है रिकॉर्ड रूट तो ये रिकॉर्ड रूट ये भी कॉपी नहीं होगा स्ट्रिक्ट सोर्स रूट ये हमारा कॉपी होगा दूसरे डेटाग्राम्स में देन लूज सोर्स रूट ये भी हमारा कॉपी होगा टाइम स्टैम्प ये कॉपी नहीं होगा तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये कॉपी होंगे कि नहीं ये आप याद कर सकते हो लुकिंग एट द लेफ्ट मोस्ट बिट देच ऑफ द सिक्स ऑप्शन आर यूज फॉर डेटाग्राम कंट्रोल एंड विच आर फॉर डीबगिंग एंड मैनेजमेंट तो यहां से कौन से डेटाग्राम हम डीबगिंग एंड मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं वो हम देखते हैं सबसे पहला है नो ऑपरेशन सो इसका टाइप हो जाएगा वन तो ये डेटाग्राम कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं तो वी लुक एट द सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट मोस्ट बिट्स, बिट्स सेकेंड एंड थर्ड को आप देख सकते हैं तो सबसे पहला जो नो no ऑप्शन है नो no ऑपरेशन ये हम डेटाग्राम कंट्रोल के लिए यूज करते हैं वैसे ही एंड ऑफ ऑप्शन ये भी हम डेटाग्राम कंट्रोल के लिए यूज करते हैं रिकॉर्ड रूट ये भी हम डेटाग्राम कंट्रोल के लिए यूज करेंगे जिससे हम राउटर्स का आईपी एड्रेस रिकॉर्ड कर सकते हैं फिर आता है स्ट्रिक्टेंगे यूज करेंगे बिकॉज इसमें हम टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा की कौन से राउटर में हमें कितना टाइम लग रहा है डेटाग्राम को फॉरवर्ड करने में तो ये हमें डीबगिंग एंड कंट्रोल के लिए यूज होता है इसके बाद देखते हैं वन ऑफ द यूटिलिटीज अवेलेबल इन यूनिक्स टू चेक ऑफ आईपी पैकेट इज पिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर सो पिंग कमांड क्या होता है अगर हमें कोई भी सर्वर को अगर पिंग करना है तो हम पिंग करके सर्वर का नाम लिख सकते हैं तो ये सर्वर एक्टिव है कि नहीं ये हमें समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे यूज कैसे करना है आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है जैसे ही हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया Definitely हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है होना चाहिए और अगर हमें कोई भी सर्वर को पिंग करना है जैसे मैं अगर लिखती हूँ पिंग गूगल डॉट कॉम तो ये हम चेक कर सकते हैं ये देखिए इसका मतलब है, मुझे रिप्लाई आ रहा है इसका मतलब हम जो सर्वर है हमारा गूगल डॉट कॉम ये हमारा एक्टिव है वैसे ही अगर हमें किसी और सर्वर को पिंग करना है तो हम जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ वी एस आई टी डॉट तो ये जो वी एस आई टी डॉट ईडी डॉट इन है इससे भी मुझे रिप्लाई आ रहा है मतलब मेरा जो सर्वर है वो यहाँ पर एक्टिव है तो ये हम पिंग कमांड को यूज कर सकते हैं जस्ट टू चेक वेदर अ सर्वर इज एक्टिव और नॉट अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इफ यू वांट टू यूज पिंग यूटिलिटी विद माइनस आर ऑप्शन टू इंप्लीमेंट द रिकॉर्ड रूट ऑप्शन तो ये रिकॉर्ड रूट हम देख सकते हैं कि नहीं डेफिनेटली ये कोई कोई कमांड हमारे लिनक्स में अच्छे से चलेंगे बट ये मेरा विंडोज का सिस्टम है तो मैं आपको कमांड प्रॉम में टाइप करके दिखा देती हूँ अगर हम लिखेंगे पिंग माइनस आर और सर्वर का नाम लिखेंगे तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो सब ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा और कौन से कौन से हमने राउटर्स को विजिट किया वो भी हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा तो मैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं पिंग माइनस आर देखिए मैं आपको छोटा सा स्क्रीन करके दिखा देती हूँ पी आई एन जी माइनस कैपिटल आर देन बी एस आई टी डॉट ई डी यू डॉट इन तो यहाँ पे क्या होगा जो रिकॉर्ड है जो रूट है वो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके लिए हमें परमिशन तो लगेगा सो तो अगर कभी कभी ये परमिशन नहीं हो तो ये रिकॉर्ड भी नहीं होगा बट अगर यहाँ पे हमारे सर्वर अगर हमें परमिशन है तो हम रिकॉर्ड रूट ऑप्शन यूज कर सकते हैं फिर आता है ट्रेस रूट सो ट्रेस रूट यूटिलिटी कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ पैकेट तो यहाँ से अगर हम ट्रेस रूट ऑप्शन को यूज करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये हम ट्राई करते हैं अगर एंड यहाँ पे हम सर्वर का नाम लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं गूगल डॉट कॉम और फिर चेक करते हैं नहीं ये हमारा ट्रेस रूट वर्क नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम ऑल्टरनेट कमांड देखते हैं जैसे ट्रेसर्ट ट्रेस आरटी और हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यह हमारा जो बात है वो एक-एक करके रिकॉर्ड हो रहा है कौन से कौन से राउटर्स को ये विजिट कर रहा है और इसका आईपी एड्रेस भी डिस्प्ले हो रहा है जैसे सबसे पहला आईपी एड्रेस आया 10.13.13.1 देन 10.60.60.5 फिर ये कौन सा लाइन है नेट का इन्फो टेक्लॉन लाइन ये सब एक करके डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर ऑप्शन आ गया ट्रेस कंप्लीट सो so आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ट्रेस रूट या फिर ट्रेस आर टी ये कमांड लिख के आप रूट को ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे देखिए अगर हम इम्प्लीमेंट लो लो सोर्स राउटिंग इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी ऑप्शन जैसे अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को हमें स्पेसिफाई करना है कि जब ये पैकेट ट्रांसफर होगा तो ये राउटर को विजिट करके ही ये आईपी जो डेटाग्राम है ये आगे जाना चाहिए तो यहाँ पर हम एक्चुअली में आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेस रूट माइनस जी तो माइनस जी ऑप्शन ये एक लूज सोर्स राउटिंग ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा ये जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है इसको विजिट करके ये पैकेट आगे जाएगा और ये पर्टिकुलर सर्वर पे हम ये पैकेट को सेंड कर सकते हैं तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि ये राउटर वर्क कर रहा है कि नहीं अगर हमें कोई राउटर को या कोई पाथ को चेक करना है तो हम ये कमांड यूज कर सकते हैं फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यस यहाँ पे है माइनस जी जहां पे हमने लिखा है स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है हम लिखेंगे ट्रेस रूट देन माइनस जी ऑप्शन तो ये हमारा स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग है मतलब अगर ये राउटर एक्टिव नहीं है या फिर ये राउटर अवेलेबल नहीं है तो ये पैकेट आगे नहीं जाएगा ये पैकेट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि हम जब इस पैकेट को पहले सेंड करेंगे तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो राउटर है इसको विजिट करके ये पैकेट आगे जाएगा तो अगर ये राउटर एक्टिव नहीं है तो ये पैकेट आगे नहीं जाएगा और ये हो जाएगा तो ये हमारा हो गया कि ये जो राउटर है अगर ये राउटर एक्टिव है तो इससे ये पैकेट ट्रांसफर होगा अगर ये एक्टिव नहीं है तो ये ऑल्टरनेट पाथ से हमारा पैकेट चला जाएगा थ्रू अनदर राउटर सो आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे How to use checksum for error detection. Thank you.